बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई योजना बेटियों के लिए सरकार चला रही है, उनके बाद भी बेटियों को नहीं अपनाने के मामले आज भी सामने आते हैं। ऐसा एक मामला खंडवा में भी सामने आया। यहां बीमार हालत में नवजात बच्ची को एक वृद्ध महिला अस्पताल में भर्ती कराकर रफू चक्कर हो गई। खंडवा के शासकीय महिला अस्पताल के शिशु गहन चिकित्सा में ये नवजात बच्ची को एक वृद्ध महिला ने भर्ती करवाया और जब डॉक्टर ने मां को लाने का कहा, जब से वृद्ध महिला नहीं लौटी। डॉक्टर ने बच्ची को सीरियस देख भर्ती कर इसका इलाज शुरू कर दिया। जब 24 घंटे बीतने के बाद भी वृद्ध महिला नहीं लौटी तो चाइल्ड लाइन को इस बच्ची की सूचना दी गई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णा वास्कले ने बताया कि नवजात बच्ची की हालत गंभीर है। बच्ची 1 किलो 150 ग्राम अति कम वजनी है। बच्ची को गहन चिकित्सा में रखा गया है, यहाँ इसका इलाज चल रहा है। एक महिला आई थी, वृद्ध महिला थी, एक बालिका को लेके आई थी। बालिका बहुत कमज़ोर थी, 1 किलो 150 ग्राम वजन था और फीमेल चाइल्ड है बड़ी बात, तो वो थी। उन्होंने भर्ती कराने का बोला है, हमने भर्ती कर लिया। हमें भी लगा कि प्रायोरिटी में सबसे पहले उसको भर्ती करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो हमने स्टार्ट कर दिया था। चूँकि बाद में महिला नहीं आई वापस लौट के, तो 24 घंटे वेट करने के बाद हमने चाइल्ड लाइन को इन्फॉर्म किया है और बाकी आगे का ट्रीटमेंट हम लोग उसका जारी रखे हुए हैं। मिला कि जिला अस्पताल के पास में एक बच्ची जो कि बहुत कम वजन की है और उसको जिला अस्पताल में इसलिए छोड़ा कि भाई इसका इलाज हो जाए। और उसके बाद वो छोड़ने के बाद ना उनकी माँ पलटी ना उनकी दादी जो देखे गई थी। और इस प्रकार की कई घटनाएं हमारे सामने आती है कि जो माएँ हैं 9 महीने तक अपने पेट में तो बच्चियों को रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कारण रहता है जिसके कारण वो बच्चियों को या तो मरने के लिए छोड़ देती है, कांटों में फेंक देती है, नालियों में फेंक देती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना काफ़ी आवश्यक है, जबकि सरकारें बहुत कुछ बेटियों के लिए कर रही है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि खंडवा में विगत कई घटनाएँ इस प्रकार की हो चुकी है। लगातार मेरा भी यह प्रयास रहता है, कहीं ना कहीं फ़ोन जो मिलता है कि बच्चियाँ कहीं रो रही है तो वहाँ जाके मैं बच्चियों को उठाता हूँ। और विगत 3-4 वर्षों के अंदर मैंने देखा कि 11 कन्याएँ और 4 लड़कों को माँ ने इस प्रकार मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अस्पताल में लाकर उनको एडमिट कराया और आज वो कहीं ना कहीं दत्तक देने के बाद कई करोड़पति परिवार में वो बच्चियाँ और बालक अपना पालन पोषण कर रहे हैं।